राधे राधे दोस्तों। महाभारत युद्ध के 17वें दिन युद्ध का सूर्यास्त होने वाला था जब कर्ण के बाण से अर्जुन अचेत हो गया था। जैसे ही अर्जुन को चेत हुआ और उन्होंने यमदंड के समान भयानक बाण हाथ में उठाया, इसी समय श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही इसका मस्तक काट लो। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और कर्ण की ध्वजा पर दहकते हुए बाण का प्रहार किया और कर्ण का मस्तक काट डाला। तो अर्जुन के बाण से मस्तक कटने से पहले वो बहुत चिंतित था कर्ण। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनको वो वासुदेव श्री कृष्ण से पूछना चाहता था। फिर मस्तक कटने के बाद वो वासुदेव कृष्ण को याद कर ही रहा था कि इतने में श्री कृष्ण उनके निकट आ गए और तब कर्ण बोला, प्रणाम वासुदेव, बहुत अच्छा किया आप आ गए। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बड़े करुणा भरे स्वर में बोले, हे मेरे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत में देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही होगी भ्राता। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण मुस्करा दिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो। कर्ण ने बोला कि भगवान, क्या आप मेरे दुर्भाग्य की सीमा को माप सकते हैं। वासुदेव, मेरे सूर्य पुत्र राधे के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ वासुदेव। मैं धर्मराज, युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, धनुर्धर, अर्जुन और सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव के बड़े भ्राता के ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के रूप राधे के रूप में मैं जाना जाता हूँ नाम से। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। जरा सोचिए वासुदेव, जरा मेरी पीड़ा को समझिए, समझने की चेष्टा कीजिए। भगवान कर्ण के और पास चले गए और बोले, हे राधे, आज जो भी बोल रहा है जी भर के बोलो, फिर मैं आपको इस मुस्कराते हुए चेहरे के बारे में कुछ बताऊंगा। मतलब वो अपने लिए कह रहे हैं कि जो मैं मुस्कराता रहता हूँ इसके चेहरे के बारे में बाद में तुम्हें बताऊंगा, पहले आप बोलो आपको जो कुछ बोलना है। फिर कर्ण बोला कि हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया। जो माता के विवाह से पूर्व जन्मा था, परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर में इस बोझ को ढोता रहा, इसमें मेरा क्या अपराध था। वासुदेव, भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया। जिस वक्त मुझे इस विद्या की जरूरत होगी मैं उसे भूल जाऊंगा। अब बोलो केशव, इसमें मेरा क्या दोष था। एक बार जब मैं शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार क्षमा मांगने पर भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दिया, इस असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी जैसे बछड़े की मृत्यु हुई। जबकि ये दुर्घटना ही में मेरा कोई दोष ही नहीं था, फिर भी मुझे श्राप का दोष भुगतना पड़ा। हे माधव, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या दोष, क्या अपराध था माधव। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं सूत पुत्र था। क्या सूत पुत्र होना मेरा खुद का चुनाव था, जो मैं द्रौपदी के स्वयंवर में मछली को भेद नहीं सका, सूत पुत्र के कारण मैं उससे शादी नहीं कर सका, इसमें मेरा क्या अपराध था जब मैं क्षत्रिय था। तो कर्ण आगे भी कहता रहा, तो हे गोविंद, आज जो कुछ भी मुझे मिला सब दुर्योधन के कारण मिला। अगर मैं केशव उसकी तरफ से लड़ाऊँ तो मैंने गलती क्या की, मेरी क्या अपराध हुआ मेरे से। ये सब सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मेरे प्रिय ज्येष्ठ भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, इतना दुखी मत हो, अब तुम मेरी भी सुनो, अब तुम मेरी भी कहानी सुनो। मेरा भी जन्म कारागार में हुआ, जन्म के रूप में मामा केशव कंस के रूप में, मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी।
जिस रात जन्म हुआ उस रात मेरे माता पिता ने ही मुझे अलग कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच में उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता है, लेकिन मुझे तो ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि मुझे उससे पहले प्राणघातक मेरे पर हमले होने लग गए। मुझे वो सब झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, लोगों से सिर्फ मुझे ताने सुनने पड़े। गोकुल में इन प्राणघातक हमलों का मूल कारण मैं ही हूँ, इस तरह के मुझे ताने सुनने पड़े। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते नहीं थकते थे और कह रहे थे, भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा ही नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से शादी तो की, लेकिन मैं जिस कन्या से प्रेम किया मैंने, मुझे वो कन्या नहीं मिली, और जो कन्या मुझे मिली वो मुझसे प्रेम करती थी, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे परिवार को यमुना किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ और कायर भी कहने लगे। जरा विचार करो प्रिय, यदि दुर्योधन जीतता है तो वो तुम्हारे लिए बड़ा श्रेय होगा मिलेगा, और अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? केवल युद्ध से समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा कि ये सब कुछ महाभारत श्री कृष्ण ने कराया है। चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। देवकी पुत्री ने ही युद्ध कराया है, महाभारत कराया है, देवकी पुत्री ने ही कराया है, माधव ने ही कराया है ये सब कुछ। हे राधे, जीवन में हर किसी को चुनौतियाँ देता है, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। यदि दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय सहा है, अन्याय को भुगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धरती पर सभी ये सोचते हैं सिर्फ मेरा दुख ही सबसे बड़ा है, लेकिन जरा सोचो, आगे देखो कि मेरे दुख से भी बड़े बड़े दुख, और सभी दुखी हैं दुखों से, किसी के पास दुखों की कमी नहीं है। पहले देखना पड़ेगा आपको किसका दुख बड़ा है और मेरा दुख कितना छोटा है। अपने दुख को सुख में बदलने के लिए अधर्म का रास्ता तो नहीं अपना सकते, क्योंकि हमारी प्रकृति में यह अनुमति ही नहीं है कि हम अधर्म का रास्ता अपनाएं। अधर्म का रास्ता अपनाना भ्राता सही नहीं था, इसलिए तुमको इतने दुख सहने पड़े। तो दोस्तों, कृष्ण समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें, इससे हमें यही सीखने को शिक्षा मिलती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, असहनीय है, मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है, मुझे सब कष्ट दे रहे हैं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरे भगवान भी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हम दूसरों के दुख को देखें। हमें ज़्यादा पीड़ा हो रही है तो हम अस्पतालों में जाकर दूसरों के दुखों को देखें। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण के सामने अपने सारे दुख को कहा, जबकि उन्हें वो दुख दुखी नहीं लगा, लेकिन उन्होंने अपने दुख को सुनाकर, अपनी व्यथा को सुनाकर कर्ण का दुख कम किया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी बहुत अच्छी लगी है आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। सभी की शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपकी इंडियन धार्मिक चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। शुक्रिया दोस्तों, राधे राधे।